तो दोस्तों, आज मैं आप लोग को लाइफ प्रूफ करके बताऊंगा कि अगर आपके फोन में एंड्रॉइड 9 पाई है या फिर एंड्रॉइड 10 है या फिर एंड्रॉइड 11 है, और आपको 9 से 10 कैसा करना है, 10 से 11 कैसा करना है, 11 से 12 कैसा करना है। तो दोस्तों, सिंपल सा है, आपको मेरे मोबाइल के स्क्रीन में लगातार देखना है और मैं आप लोग को लाइव प्रूफ करके बताऊंगा कि क्या से क्या करना है। तो वीडियो में बने रहिए। अगर इस वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए मोबाइल के स्क्रीन में ले चलता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले अपने डिवाइस में आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। उसके बाद में जो मैं यहाँ पर सर्च करूँगा, आपको भी सेम टू सेम यहाँ पर सर्च करना है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी करके रखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, इंस्टॉल एंड्रॉयड 12 ऑन एनी फोन। ठीक है, आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, नीचे आपको स्क्रॉल करना है। उसके बाद में दोस्तों, जो आपके सामने ये इंटरफेस आ रहा है, हाउ टू इंस्टॉल द एंड्रॉयड 12 बेटा 5 ऑन योर फोन राइट नाउ। ठीक है, इस पर आपको टच करना है। उसके बाद में दोस्तों, आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, आपको डायरेक्ट एक पेज पर लेके जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले एंड्रॉयड 12 मिलने वाला है। जो भी पिक्सल के फ़ोन है आपको यहाँ शो हो रहे हैं, पिक्सल 3, पिक्सल 3 एक्सेल, सब में एंड्रॉयड 12 मिलेगा। लेकिन या नीचे स्क्रॉल करते ही आपको और सारे डिवाइसेस दिखाई देंगे, जैसे कि आपको दिखाई दे रहे हैं यहां पर शाओमी मी 11 अल्ट्रा, वीवो IQ7। तो जो भी आपका डिवाइस है, आपको इस पर टच करना है और डायरेक्ट आपको ले जाएगा इंस्टॉलिंग पे, और आपका ये एंड्रॉइड 12 इंस्टॉल हो जाएगा। तो दोस्तों, आप में से कौन कौन को एंड्रॉइड 12 चाहिए और किस किस ने इस वीडियो को देख के डाउनलोड किया है, नीचे कमेंट जरूर